हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे आपको 20 लेसन प्लान, जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर DL Ed, इसमें आपको जो बनाने पड़ते हैं 20 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 के। तो तीनों के आपके लेसन प्लान बनेंगे तीनों कक्षाओं के, तो पूरे के पूरे 20 लेसन प्लान हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में आपको जैसे कि आप दर्शा रखा है कि सभी के हिंदी, विज्ञान, संस्कृत सभी विषय के मिलेंगे आपको। हार की जीत है, पदार्थ की अवस्था है, दुख का अधिकार है, सुवासी तानी है जो कि संस्कृत का, ज्यामिति अवधारणा है, कंप्यूटर शिक्षा के लाभ हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वायु, नील श्रृंगार, आम का रेखांकन, संतुलित भोजन, कंप्यूटर के प्रकार, सिंधु घाटी की सभ्यता, द डंकी एंड द डॉग, पृथ्वी और चंद्रमा, मोहम्मद गौरी, सिंचाई के साधन, यातायात, मिट्टी के कटाव के कारण और माई विलेज। सभी हिंदी हो या पर्यावरण हो, आपका सामाजिक उपयोगी कार्य हो, कंप्यूटर हो, गणित हो, सभी के आपके लेसन प्लान है इसमें। और आपको 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट के सभी के दो दो लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो इसमें सभी के दो दो लेसन प्लान हैं, यानी कि 20 लेसन प्लान कंप्लीट हैं। सबसे पहला लेसन प्लान है आपका आता है छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता नहीं रहती हमें, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में अपना कवर पेज बनाते हैं उस पर सब लिखते हैं कि विद्यालय किस विद्यालय में गए थे, और साथ ही हमारा छात्र अध्यापक मतलब कि जो आपका नाम है, शिक्षक हैं आप, ठीक है, छात्र अध्यापक जो भी हैं, छात्र अध्यापिका, वो अपना नाम डालते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, कलां सब डालिए। कक्षा का लेसन प्लान है और ये हिंदी का, ठीक है। हार की जीत आपका लेसन प्लान है, प्रकरण है, और साथ ही सामान्य उद्देश्य बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कलात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, हिंदी भाषा के महत्व का बोध कराना, विशिष्ट उद्देश्य बच्चों को हार की जीत नामक पाठ से बताते हुए इसके सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाना, इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, साथ ही इसका PDF चाहिए तो नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान है, बच्चे हार की जीत के बारे में संबंधित जानकारी रखते हैं, सारा सहायक सामग्री चौक डस्टर लपेट श्याम पाठ के संघ के साथ, और साथ ही इसके लिए आप कोई भी एक मॉडल बना सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और साथ ही बच्चे उसका कुछ जवाब देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों से प्रश्न पूछना पड़ेगा एक एक करके, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे कि बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को विस्तारपूर्वक उसको समझाना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा एक उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में आप बच्चों को हार की जीत नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे, साथ ही प्रस्तुतिकरण में आप कराएंगे बच्चों को कि बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे, पाठ पढ़ाएंगे, बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी पाठ के अंतर्गत आया होगा उसके बारे में बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों ये कौन था और इसका क्या संबंध था, इससे सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। और साथ ही श्यामपट कार्य पर हम ऐसे शब्द लिखेंगे जिससे कि बच्चे जो शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से निरीक्षण कार्य करेंगे हम। निरीक्षण कार्य में होता है कि बच्चों का इंस्पेक्शन करना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने लिखा है कॉपी में जो हमने ब्लैकबोर्ड वर्क कराया है, नहीं लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो रह जाएगा गृह कार्य यानी होमवर्क हम बच्चों को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यालय का नाम, पाठ योजना, विद्यालय का जो भी होगा आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक का, इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रकरण जो रहेगा पदार्थ की अवस्था आपकी जो भी है, विज्ञान कक्षा 7 का लेसन प्लान है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, या फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे से लिंक है आपके पास। और साथ ही हम बता दें कि आपको CTET और UPTET की नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही क्लास तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो क्लास तो आप लेते ही रहिए, यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नीचे PDF के लिए लिंक मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे बाल विकास हो, और साथ ही चाहे आपका गणित हो, गणित के लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा, और साथ ही एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा मैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों को मैथ में दिक्कत आ रही है, या फिर जो मैथ से बिल्कुल डरते हैं, या फिर मैथ में उन्हें कुछ भी नहीं आता है, 1, 2, 3 भी नहीं आता है, तो उनके लिए सब कुछ हम बताएंगे। बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है, 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी सब आपकी, यह नहीं है कि हम अपनी कॉपी पर लिख कर आपको समझाएँगे, हम समझाएँगे बिल्कुल आपको
अपने ब्लैक अपने व्हाइट बोर्ड पर बनाकर सब कुछ चित्र सहित और सब कुछ ऐसा समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको समझ में एक बार में ही आ जाएगा। और जितने भी चैप्टर हैं उनका हम न इजी से लेंगे, यानी विस्तारपूर्वक अध्ययन कराएंगे। पहले हम क्या कराएंगे, उसको बेसिक से समझाएंगे, फिर हम उसका करेंगे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उन सब चीज़ की, तो जिससे कि आप करने में टाइम ना लगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम में टाइम बचाना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके ये लेसन रहेंगे। और नीचे आपको पर्यवेक्षण यानी अपने छात्र अपने जो प्रधान अध्यापक होंगे उनका सिग्नेचर कराना, साथ में अपना नाम भी लिख लेना है। साथ ही अपना थर्ड लेसन प्लान आता है विद्यालय का नाम, विद्यालय का जो भी होगा, और साथ ही हिंदी विषय का है दुख का अधिकार आपका क्या है। तो दुख के अधिकार में बच्चों को बताएंगे कि दुख क्या होता है और दुख से क्या मतलब है और दुख हमें कहाँ तक रखना चाहिए। दुख का अधिकार पाठ के महत्व है वो व्याख्या से छात्रों को परिचित कराएंगे। साथ ही हम पूर्व ज्ञान बच्चे संबंध में जानकारी रखते ही होंगे दुख के बारे में, सहायक सामग्री ले सकते हैं हम जो भी प्रयोग करेंगे और उचित प्रयोग करें और उनका प्रयोग सही ढंग से करें जिससे कि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। यही है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान बना के आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड हो ही जाए। ठीक है, जो लोग पीडीएफ लेने में दिक्कत है इनको, तो आप पीडीएफ पॉज करके लिख सकते हैं, उद्देश्य कथन आपको मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा इसमें। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको सी टेट और टेट दोनों की तैयारी के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ जिन लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर है तो वो अपना टैट और सी टैट भी भर सकते हैं। सी टैट की लास्ट डेट 18 सितंबर है, तो जल्दी से अभी अब तक अप्लाई नहीं किया तो कर लीजिए आप। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रूल ऐसा हो गया कि आप सेकंड सेमेस्टर में भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए आप, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लीजिए। साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 4 आता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आपको वीडियो पॉज करने में थोड़ा सा वक्त तो चाहिए, तो वीडियो पॉज करने के लिए थोड़ा रुक रुक कर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे से। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिए आप। और बता दूँ कोई भी सब्जेक्ट यदि उसका लेसन प्लान पहले भी आ चुका है तो सामान्य उद्देश्य आपके वही रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ चेंज होते हैं जो कि आपके प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। साथ ही पूर्व ज्ञान भी आपका क्या होता है टॉपिक से रिलेटेड होता है कि बच्चे उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न को आप कॉलम वाइज ही लिखें, छात्र अध्यापक कथन एक साइड में और छात्र का कथन एक साइड में लिखें, और उद्देश्य कथन तो आपको मिल ही जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड होता है ये भी कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। साथ ही प्रस्तुतिकरण भी आप कॉलम वाइज बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, फिलहाल तो इसमें कॉलम वाइज कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, तो आप कॉलम वाइज ही बनाइए। ठीक है, दोनों मतलब कि दो पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ छात्र अध्यापक कथन और एक तरफ छात्र कथन। और बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे बच्चों को ज्ञान को वृद्धि करने के लिए, साथ ही श्याम पट कार्य। और साथ ही एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि आदर्श वाचन कौन करता है और अनुकरण वाचन कौन करता है, तो हमेशा क्वेश्चन ये आता भी है अपना। ठीक है, तो आदर्श वाचन हमेशा आपका एक शिक्षक करेगा यानी एक अध्यापक करेगा, और साथ ही अनुकरण वाचन जो होगा वो छात्र करेंगे। ठीक है, जब भी हम कुछ कार्य सीख रहे होते हैं या फिर हमें कोई कुछ बता रहा होता है तो हम अनुकरण कर रहे होते हैं, उस चीज़ को सीख रहे होते हैं तो हम अनुकरण वाचन कर रहे होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपका यही सेम रहेंगे। ठीक है, तो मैथ का हो या कोई भी सब्जेक्ट का क्यों लेसन प्लान क्यों ना हो, आपको करना क्या है, अपने सामान्य उद्देश्य सेम ही रखने हैं। सहायक सामग्री में भी आपके डिफ़ॉल्ट रहते हैं श्याम पट, चौक, डस्टर, तो श्याम रहते ही रहते हैं। साथ ही आपके पास कोई मॉडल है तो मॉडल भी आप लिख लीजिए, और साथ ही आपके पास कोई फ्लैक्सी वगैरह है या फिर कुछ और चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी लिख सकते हैं आप। और बताइए ज़रूर आपने, आपको कैसा लगा आपके सारी सेमेस्टर की मतलब कि टीचिंग कंप्लीट हो गई है, अब सोच रहे हैं आप कि हाँ गाँव में गवर्नमेंट जॉब लग जाए तभी हम जाएं, अब टीचिंग कर ली 3 महीने की टीचिंग हो चुकी है सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, और साथ ही जो फोर्थ सेमेस्टर में उनकी 4 महीने की टीचिंग हो जाएगी अब। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में हमें एक एक महीने की टीचिंग मिली है तो उसका भरपूर आनंद लिया है। हालांकि BTC में आपका DLED में जो है ऑफ तो रहता नहीं है कॉलेज। ठीक है, तो बस यही छुट्टियां थोड़ी सी मिल जाती हैं, थोड़ा सा टाइम इजी में मिल जाता है, कहीं घूमने जाना होता है तो इस तरह से श्याम पट कार्य आप जो इसमें ना ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हैं।
ठीक है, जहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं लगा हुआ वहाँ लगा सकते हैं, पुनरावृत्ति परीक्षण कर सकते हैं बच्चों से, यानी क्या कहते हैं रिवीजन वर्क, और साथ ही गृह कार्य भी घर के लिए दे सकते हैं बच्चों को। और ये सही मिलान दिया हमने, सही मिलान से क्या होता है बच्चे को एक क्या तरीका मिल जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे हमने जो पढ़ा था वो याद है नहीं है, तो इस तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का लेसन प्लान है, कंप्यूटर शिक्षा से लाभ क्या हो सकते हैं, बच्चे कंप्यूटर के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं सब आपको पता चल जाएगा, बच्चों को आप कितना ज्ञान दे रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्य पूर्व ज्ञान सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, साथ ही बच्चे आप ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते लेकिन कंप्यूटर के बारे में थोड़ा चित्र बनाकर बच्चों को प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि हाँ किस तरह से क्या होता है, तो बच्चे जान जाएंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य कथन आपको मिल जाएगा कि उद्देश्य क्या है हमारा पढ़ाने का, कि बच्चों को हम कंप्यूटर शिक्षा के लाभ बताएंगे। प्रस्तुतिकरण बच्चों से कराएंगे, प्रस्तुतिकरण जो होता है हम खुद करते हैं, छात्र अध्यापक करेगा और बच्चे उस चीज़ को सुनेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, थोड़ा सा अपने आपसे भी ऐड कर लीजिए, आपको लेसन प्लान छोटा लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो लेसन प्लान उचित है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने पास एक लेसन प्लान बनाने के लिए, तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपके लिए ये लेसन प्लान तैयार किए गए हैं। साथ ही मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि आपको यूपीटेट सीटेट साथ ही आपके फोर्थ सेमेस्टर को या थर्ड सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सबके नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और साथ ही क्लासेस भी हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी लेसन प्लान अलग अलग भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, विस्तार पूर्वक है उसमें। जो लेसन प्लान आपको लंबा बनाना है यानी 3 से 4 पेज का 5 पेज का बनाना है, फिलहाल तो 3 पेज का ये भी बन जाएगा आपका, तो ध्यान रखें आप प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें। और साथ ही थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि आपको देखो एक तो हेल्प मिलती है शायद, और सारी मेन चीज़ जो रहती है आपकी कि आपके साथ साथ आप शेयर करते हैं वीडियो को तो दूसरों को भी हेल्प मिलती है। ज़्यादा नहीं कह रहे हैं हम आप लाइक कीजिए, तो आप शेयर तो कर ही लीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि हाँ आपको नहीं आपको जितनी मदद मिली है तो दूसरों को भी मिल जाए, क्योंकि परेशान होते हैं बहुत से लोग इसलिए क्योंकि आजकल ये हो ना कोई किसी का भला नहीं करना चाहता कि आपने बना लिया लेसन प्लान दूसरे को ना बताएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान एक ऐसी चीज़ है कि हाँ बना तो लेता है आदमी, लेकिन ये है ना कि उसके पास बुक्स वगैरह होने चाहिए, तो बुक्स वगैरह कहाँ से लाए, वो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। लेसन प्लान स्वयं से बना सकते हैं आप, किसी भी पार्ट का बना सकते हैं, लेकिन यही है ना पार्ट के अंतर्गत क्या था, पार्ट से फिर बोध प्रश्न कैसे करेंगे, रिविजन वर्क कैसे कराएंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि हाँ आपके पास बुक्स वगैरह होनी चाहिए। यदि बुक्स वगैरह नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, लेसन प्लान कहीं से ना कहीं कॉपी करने पड़ेंगे, तो लेसन प्लान कॉपी ना करें। और साथ ही अपना जो है बनाने के लिए तो मैं यही तो यही कहता हूँ कि दोस्तों की सहायता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए आपको यही करना है कि अपने दोस्तों के साथ लेसन प्लान के वीडियोस को शेयर करें, और साथ ही आप PDF डाउनलोड करके बच्चों अपने साथी सहपाठियों के साथ शेयर करें। और साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिंक में मिलेगा आपको, वहाँ से डाउनलोड वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, आपकी हर समस्या का निवारण किया जाएगा। देखिए लड़कियां सबसे पहले मना लेती हैं अपने जो भी काम होता करना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई समस्या आ जाती है, तो इससे पहले क्या हम सब कुछ तैयार कर ले, लेकिन लड़के हमारे थोड़े से ज़रा क्या होते हैं इस चीज़ पर लापरवाही दिखाते हैं, तो मैंने सबसे पहले लड़कों के लिए ही कहा है कि आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और लड़कियों से पहले बना लीजिए लेसन प्लान, ताकि आपको एक मौका मिलेगा और साथ ही आपसे कॉपी मांगेंगे कि हाँ भाई आपने बना लिया लेसन प्लान तो आप हमें कॉपी दे दीजिए, अपना रजिस्टर दे दीजिए लेसन प्लान बना लिया है तो अपने, तो इस तरह से क्या होता है हमारा ना रेपुटेशन या फिर कह लीजिए अपना जो भी अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं या फिर कोई भी कह लीजिए आप, यदि आपका काम आगे रहेगा तो आपको सब अच्छा बताएंगे। तो मेरा मानना तो यही रहा था अब तक कि हाँ हम आगे हैं, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि दूसरों के सहारे या दूसरों की सहायता लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कोशिश करते रहिए और लेसन प्लान बनाते रहिए, और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको एक वीडियो बहुत अच्छी लाने वाला हूँ कि आपको टेट के लिए कौन सी बुक्स मिलेगी,
बढ़िया रहेगी। और साथ ही आपको एक बात बताता हूँ मैं कि लास्ट ईयर जो पर्यावरण से क्वेश्चन आए थे, पूरे 20 क्वेश्चन हमारे जो नोट्स हैं ठीक है, वो 40 से 42 पेज का आपका है, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसे अभी उसका लिंक नहीं दिया है, तो पर्यावरण की किसी भी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से हर बार कम से कम होता 15 से 20 नंबर का आया था पिछली बार, इस बार 25 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, तो मान लीजिए 10 से ऊपर का तो रहेगा रहेगा आपका स्कोर उसमें एक बार पढ़ने के बाद। तो इसलिए उस चीज़ को ज़रूर डाउनलोड करें, उस चीज़ को तो एक बार जो पढ़ लें, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लें जरूर लें ठीक है। तो अपने लेसन प्लान इस टाइम हो चुके हैं ठीक है, 9 लेसन प्लान हो चुके हैं, शायद 10वां लेसन प्लान ये रहेगा आपका ठीक है। तो ये कक्षा 6 का है, कला का, आम का रेखांकन बनाना है, आम का चित्र बनाना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं वहीं रोकता हूँ कि हाँ आपको टाइम मिल जाए कि आप वीडियो को पॉज कर लें या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप चित्र इस तरह से बना सकते हैं। और साथ ही आपके लिए जो एक हमारे चैनल पर एक ही बेनिफिट है कि हम सभी चीज़ की पीडीएफ डाउनलोड कराते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी आपको पीडीएफ, पीडीएफ हम ही प्रोवाइड कराते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा चैनल अच्छा है, पहले आप दूसरे चैनल पर विजिट कीजिए और साथ ही फिर बाद में हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, फिर देखिए कंपेरिजन कि आपको कहाँ फ़ायदा मिलता है। आपको जहाँ फ़ायदा मिले वहीं पढ़िए, आप इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह टिक कर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से लेसन प्लान बनाइए आप, कोई भी विषय हो आपका लेसन प्लान का, सभी कुछ आपको मिलेगा यहाँ, प्रोवाइड कराया जाएगा। और किसी अन्य सब्जेक्ट का या फिर कोई भी अन्य टॉपिक हो आपका लेसन प्लान के लिए, तो हम हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका लेसन प्लान आपको बनाकर ज़रूर देंगे, कहीं से भी दें आपको ज़रूर देंगे उसका लेसन प्लान बनाकर। वो इस तरह से कॉलम में डिवाइड जरूर कीजिए। और साथ ही फोर्थ सेमेस्टर में टीचिंग फाइल बनती है, टीचिंग फाइल भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है। 1 से 2 दिन में वो टीचिंग फाइल भी मिल जाएगी, उसका भी पीडीएफ मिलेगा आपको, वो भी 20 पेज की बनती है, उसमें भी 10 टॉपिक होते हैं जो आपको नंबर शीट मिलती है उसके अंतर्गत मिलते हैं वो। अच्छा होता है हमें जब हम एक अच्छे से अपने कार्यों को करते हैं। और साथ ही आपको करना क्या है, हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर करना है आपको, कमेंट जरूर करके जाइए, कमेंट करके जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, या फिर आपको अच्छा लगा वीडियो, या फिर जैसी भी बात है जो भी चीज़ है आपके दिल में एक बार ज़रूर कहिए। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, बस 20 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे ठीक है, बस 20 रुपीज़। आप पेटीएम करते हैं तो 20 रुपीज़ में ही काम हो चल जाएगा, लेकिन आप लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 25 रुपये भी देने पड़ सकते हैं ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं, पेटीएम नंबर भी मेरा नीचे है दिया हुआ, डाउनलोड करिए और साथ ही अपना जो डाउनलोड किया है उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करिए, या फिर आपने जो पेटीएम मुझे किया है किसके लिए किया है वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, मात्र 20 रुपीज़ कह रहा हूँ मैं, अपनी मेहनत की कह रहा हूँ, जो मेरा मटेरियल लगता है उसके लिए कह रहा हूँ मैं ठीक है। आपको 1 रुपये में एक लेसन प्लान मिल जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। पहले वीडियो देख ही लीजिए, बाद में
डिसाइड कीजिए कि आपको लेना नहीं लेना है। बाद में मैसेज करके ये नहीं कहिए कि हाँ सर हमें तो नहीं चाहिए, हमारे पैसे वापस कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वापस कभी नहीं होंगे आपके पैसे, ठीक है। मैं आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदिए ही, हाँ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इन मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप डाउनलोड करिए या फिर मुझसे लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आप सीधे अपना वीडियो पॉज करके लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। कंप्यूटर के एनालॉग, डिजिटल लॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर, सभी प्रकार से सभी कुछ दर्शाया गया है और सब आपके कोर्स में रहा है, आपसे रिलेटेड है ये, क्योंकि आपके पूछा जाएगा। इतिहास और नागरिक शास्त्र का, नागरिक जीवन का आपका, या सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होती है, वीडियो को पॉज करके ही लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ अभी 7 लेसन प्लान बचे हैं, कम नहीं है 7 लेसन प्लान। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पूरे के पूरे लेसन प्लान बनाएं एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको लेसन प्लान सारे मिल रहे हैं, सच्ची की बात है। देखिए आपको बता दें कि हमने जो बाल विकास के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं यूपी टेट के लिए, तो सबसे बेस्ट नोट्स हैं और उन नोट्स के पढ़ने के बाद कोई भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही पर्यावरण में हमने दिवस हो या फिर आपके सिद्धांत हो या फिर विधियाँ हों उनके लिए अलग से ट्रिक बनाई है, और नदियाँ, पठार, ठीक है, इसके लिए सभी के लिए अलग अलग ट्रिक बनाई है। और जैसे कि आपके कुछ टॉपिक ऐसे भी रहते हैं जल से रिलेटेड हो या फिर आपका पृथ्वी से रिलेटेड हो या फिर भूमध्य अक्षांश क्या होता है, इस तरह से आपके कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी का हमने विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इंग्लिश का लेसन प्लान है ये कक्षा 6 का। देखिए लेसन प्लान कोई भी हो लेकिन आपको बनाना है। साथ ही एक बात और रहती है कि आपकी प्रेजेंटेशन होती है आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में, तो अच्छी बातें नहीं होती है तो भी अच्छी आता है, तो आपको उसमें क्या थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन तो होती है कि आपने पढ़ाया कैसा है, ठीक है, उसमें ये पूछा जाता है आपने पढ़ाया कैसा है, पढ़ाया भी है ठीक ढंग से या नहीं पढ़ाया है, इस चीज़ को उसमें देखा जाता है। टीचर एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज दोनों कॉलम बनाएंगे आप। कोई हार्ड वर्ड आता है उसका मतलब नहीं पता होता तो बच्चों को बताएंगे हम, ब्लैक बोर्ड वर्क में ही करिए ये काम। और साथ ही ब्लैक बोर्ड आप वर्क करके आप चिपका जरूर लीजिए ब्लैक चार्ट पेपर लेकर, ठीक है। और मेरे पिछले की वीडियो देखेंगे आप जो इंडिविजुअल लेसन प्लान है उसमें आपको सैंपल जरूर चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है, जरूर पेस्ट करा हुआ मिलेगा। और साथ ही आप चित्र भी बना सकते हैं इसमें, देखो चित्र बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। पृथ्वी और हमारे जीवन का अक्षर 6 का लेसन प्लान, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है, ठीक है, बच्चों को समझाएंगे पूरा अवगत कराएंगे। हालांकि बच्चे जानते हैं लेकिन थोड़ा जानते हैं, बेसिक तरीके से हमें समझाना है बच्चों को, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों के बारे में अच्छे से परिचित कराना है, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, प्रस्तावना, इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न करिए। उद्देश्य कथन मिल जाता है तो आप अच्छे से पढ़ा पाते हैं बच्चों को, उद्देश्य कथन बच्चों से ही निकलवाया जाता है, बच्चों से प्रश्न पूछ कर ही बच्चे जानते कितना है। प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे, इस तरह से बहुत प्रश्न कराएंगे बच्चों को कि चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है, चंद्रमा पूरा कब होता है, इस तरह से पार्ट योजना 16 पे आ चुके हैं हम, मोहम्मद गौरी का इतिहास और नागरिक शास्त्र का। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर चुके जाइए और बेल आइकन को दबाएंगे आप अच्छे रहे बात रहेगी, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए। आपको लिए एक बेनिफिट यही है इस वीडियो का कि आपको एक ही वीडियो में 20 लेसन प्लान मिल रहे हैं, हालांकि आपको कहीं से ना कहीं से मिल ही जाएंगे लेकिन
मैं ये बता रहा हूँ कि अलग अलग लेने से अच्छा है कि एक ही जगह से आप 20 के 20 लेसन प्लान ले लीजिए, सभी एक जैसे लेसन प्लान हो जाएंगे। कहीं कहीं से लेंगे आप एक एक करके तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे अपने 20 लेसन प्लान बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक ही बात मैं और कहना चाहूँगा, यदि कोई भी सुझाव है तो अपना कमेंट में कीजिए, और साथ ही इसका PDF भी आपको लिंक नीचे मिलेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके जाइए। ठीक है, 17वां लेसन प्लान आ गया है हमारा। बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे से लोग जुड़ते हैं, हम मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेनिफिट यही है कि उनको हम PDF फ्री प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि आप नए हो, लोग हो, आप मैसेज करते हैं, आपका नंबर सेव करना पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए जो पुराने लोग हैं उनको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है ना कि पुराने लोग होते हैं तो उनसे जान पहचान तो बढ़ती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि संबंध बनाने से बनते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हाँ हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा बने, और हम अपने परिवार पर, अपने YouTube चैनल पर यानी अच्छे से हम काम कर सकें। तो आपका सपोर्ट तो चाहिए ही होगा, आप सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा काम करने के लिए मन करेगा, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे आपको। जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, और इस वीडियो के जितने भी कमेंट रहेंगे उनको अलग से उठाऊंगा मैं, और उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जो भी दिक्कतें रहेंगी उनको भी मैं आपका निवारण जरूर करूंगा। वैसे तो मैं कमेंट को रीड नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली कमेंट को रीड करूंगा, और आपके जो भी जवाब रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, उसको लिए अलग से संडे में वीडियोस आएगी। पाठ योजना 18 पे पहुंच गए हम, पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 8 का लेसन प्लान यातायात से संबंधित। अच्छा लगता है यार जब आप वीडियो को कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो हम अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट ये होगा कि हम जो PDF आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो सभी चीज़ देखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए आपको यही ध्यान रखना है कि हाँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए हम आपको एक ही वीडियो में इतना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, शायद टीचिंग फाइल भी आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई होगी, हम टीचिंग फाइल भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा लगता है यार दोस्तों। मैं लड़कों से नहीं, लड़कियों दोनों से कह रहा हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ वीडियो देखकर ऐसे ही नहीं चले जाइए, अपना काम कर लिया और हमें छोड़ दिया। आप ही के लिए वीडियो बनाई है तो इतना ध्यान रखें कि हाँ आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है और आपने लेसन प्लान बनाया है इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका हक है। मैं इससे लिए बार बार कह रहा हूँ कि हाँ कि आप वीडियो को लाइक किए बिना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। देखिए हमारे पाठ योजना 19 आ गई है, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, कक्षा 7 का लेसन प्लान, मिट्टी कटाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कृषि से रिलेटेड होता है अपना ये। एक बार बताइए जरूर कमेंट करके कि आपको लेसन प्लान कैसा लगा, पूरे के पूरे 20 लेसन प्लान है। हालांकि मैंने मेरे जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको लेसन प्लान की, उसमें 70 से ज़्यादा लेसन प्लान मिलेंगे आपको, सभी आपके लिए ही हैं। लेसन प्लान से छोटा भी बन सकता है, 2 पेज का भी बन सकता है, 3 पेज का भी बन सकता है, 5 पेज का भी बन सकता है,
है, तो अलग अलग तरीके होते हैं मनाने के लिए। यदि आप सैम्पल कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड वर्क की तरह से चिपकाते हैं, अपने रजिस्टर पर पेस्ट करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट यही रहेगा कि अच्छा लगता है। देखिए लास्ट लेसन प्लान है हमारा, लेसन प्लान नंबर 20 इंग्लिश का है, क्लास 7 का, माय विलेज। ठीक है, टू नेवल टू द स्टूडेंट्स टू लिसन इंग्लिश विथ अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों को एक क्या करना है, बच्चों को सिखाते हैं हम, समझाते हैं कि बच्चे उस चीज़ को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और साथ ही बोलने में समर्थ हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये होती है थोड़ी सी दिक्कत, यहीं आ जाती है कि हमारे पास इंग्लिश होती नहीं है, होती भी है तो हम पढ़ना भूल जाते हैं इन 2 सालों में। ठीक है, तो जिनकी पास इंग्लिश रहती है, जिनके इंग्लिश बेस कम वीक है, तो उस चीज़ के लिए दिक्कत पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश हमारे पास अचानक से आती है और एक सेमेस्टर में रहती है, एक सेमेस्टर में नहीं रहती है, फिर एक सेमेस्टर में रहती है, फिर एक सेमेस्टर में नहीं रहती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम होती है। तो कोई नहीं, आपको इसके लिए पढ़ना तो पड़ता ही है, ज़रूर पढ़िए अच्छे से। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगेगा हमें यदि आप कुछ भी लिखते हैं, अच्छा लिखें या बुरा लिखें, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका भी ले लीजिए आप, साथ ही डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उनका भी ले लीजिए, और साथ ही हमारा जो होमवर्क रहेगा, रिवीजन वर्क और होमवर्क जो भी रहेगा उसका ले लीजिए, और साथ ही नीचे लास्ट में हर एक जो भी आपका लेसन प्लान रहेगा उसके नीचे लास्ट में प्रधानाध्यापक की महा और हस्ताक्षर जरूर कराएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक था।